Today, we will discuss HRM in Service Sector Management. It is a new subject and it comes in TYBMS Semester 6, one of the specialization of HRM. HR, okay? Lack of ownership, बिल्कुल सर्विसेज में आपको ओनरशिप नहीं मिलती है. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ, इफ़ आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे थ्रू ट्रेन, ओके, तो पुणे से पहले एक स्टेशन आता है शिवाजी नगर, ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर मैंने रिजर्वेशन कर लिया है और मैं उस पर्टिकुलर सीट को मैं स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. ये मेरे पास राइट्स है नहीं, मेरे पास ओनरशिप नहीं है. मेरे पास ओनरशिप सिर्फ पुणे तक जाने के लिए, उस सीट पे बैठने के लिए मुझे सिर्फ राइट्स मिली है. जैसे पुणे से अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती है, मुझे उस सीट से उठना होगा. आई हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर सीट. देन यूजर पार्टिसिपेशन, यस, आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है. यूज़र का फिजिकली पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है सर्विसेज में, बिल्कुल. अगर आप देखोगे कि अगर हम शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में हमें ब्रोकर रहते हैं, ब्रोकर हमारे बिहाफ में वर्क करते हैं. बट अगर ब्रोकर नहीं है, क्योंकि ब्रोकर ज़्यादा करके कह सकते हैं कि वो कमीशन्स लेते हैं, तो हमें वो परवड़ नहीं रहा है या हमें अफोर्डेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा. जैसे कि बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी आईज है ना, जहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना, यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है. जैसे कि अगर आप पेंशन की बात हो, वहाँ पे भी हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, क्योंकि हमें सिग्नेचर करनी पड़ती है, बराबर है. दिस इज कॉल्ड एज अ